हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। दोस्तों, आज है मुहर्रम की 10 तारीख और अगर आपने इससे पहले वाला मेरा वीडियो देखा होगा तो आप समझ गए होंगे आज की ये वीडियो कल के वीडियो का सेकंड पार्ट है, क्योंकि कल का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो जिसकी वजह से मैंने इस ब्लॉग को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आज का ये वीडियो भी मुहर्रम की 10 तारीख पर है और जो कल चीज़ें रह गई थी दिखाने के लिए वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना। वीडियो पसंद है तो लाइक करना और वीडियो को शेयर तो कर ही देना सभी जगह पर। तो फिर जो चीज़ें रह गई थी, जैसे कि आपको मैंने कल के वीडियो में आपको अमेठी का ताज़िया नहीं दिखाया था, क्योंकि अमेठी का ताज़िया फर्रुखाबाद में बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा बड़ा बनता है, अच्छा बनता है। तो वो अभी निकलेगा यहाँ से और वहाँ पर, मतलब अमेठी के ताज़िया में इसके साथ साथ बहुत सारे गेम्स होते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, लाठी से गेम खेला जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ और पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है उस ताज़िए में, तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहना। तो चलिए अब हम चलते हैं बाहर और अब टाइम हो गया है अमेठी के ताज़िया आने का, तो अब हम जाने वाले हैं अमेठी के ताज़िया देखने के लिए। तो ये देख सकते हैं अमेठी का ताज़िया हमारे देखिए आ गया है। ये सारी बातें धीरे धीरे अब आगे बढ़ रही है। अली 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 अली
निकाल के डाल दोस्तों देख सकते हैं अभी रात हो गई है लेकिन पब्लिक कम होने का नाम नहीं ले रही है, पब्लिक अभी भी बहुत ज़्यादा है। अभी ये ताजिया पहुंचने वाला है साहबगंज चौराहे पर, और साहबगंज चौराहे पर जब तक पहुंचता है तब तक अंधेरा हो जाता है, और अंधेरा होते ही ये देख सकते हैं आग का गेम स्टार्ट हो जाता है, आग से पटाखे ले जाता है। तो ये सीन काफ़ी ज़बरदस्त होता है और इसको देखने के लिए बहुत सारी पब्लिक इकट्ठा भी होती है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं। तो अभी आग का गेम हम आपको आप और भी दिखाएंगे, तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना, वीडियो आगे भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। Man!
मुहर्रम की 10 तारीख पर जो सारी चीज़ें होती है वो मैंने आपको दिखा दी है। मैंने आपको दिखाया सबसे पहले वाले ब्लॉग में, मैंने आपको दिखाया करबला में कि करबला में क्या क्या होता है, और उसके बाद जो मुहर्रम की 10 तारीख का पार्ट 2 ब्लॉग था उसमें मैंने आपको दिखाया कि मतलब यहाँ पर से जो ताजिए निकलते हैं, निकल कर जाते हैं फरुखाबाद के, जो फेमस ताजिए हैं जैसे कि अमेठी का ताजिया और जो पट्टा होता है, आग का खेल होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पर नए हो या फिर तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, और हाँ मेरी इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।